अक्सर टैक्सी पर एक फोन कॉल पर घर के सामने आप बुला सकते थे, लेकिन तांगा भी आपके सिर्फ एक फोन कॉल पर घर के सामने होगा। इंदौर में मोबाइल तांगा अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। एक रिपोर्ट। वक्त के साथ जब तांगे को ऑटो और टैक्सियों ने पीछे छोड़ दिया, तो वक्त के साथ ही शहरों में रेडियो टैक्सी और टैक्सी ऑन कॉल सुविधाएं भी आ गईं। लेकिन तांगों की तस्वीर फिर भी नहीं बदली। आज भी तांगे जहां चलते हैं वहां उनकी अपनी रवानगी है, और उसी रवानगी में एक नई कहानी भी जुड़ गई कि आप अब अपना तांगा सिर्फ एक फोन कॉल पर मंगवा सकते हैं। जी हाँ, इंदौर में मेट्रो टैक्सी की तर्ज पर तांगा यूनियन ने तांगा ऑन फोन सर्विस शुरू की है। पुराने साज सज्जा में तांगे चला करते थे, तो इसे पूरे शहर में आपको देखने को मिलेंगे, और आप एक फोन करेंगे आपके घर पे तांगा आएगा, आपकी सेवा की जाएगी। किसी जमाने में शान की सवारी रही ये घोड़ा गाड़ी, इस भीड़ में भी अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ रही है। दिन भर की मेहनत के बाद ही कुछ सवारियां मिल पाती हैं। बहरहाल वक्त भले ही बदला हो, लेकिन तांगे की सवारी आज भी लोगों को पसंद आती है। ना कोई प्रदूषण फैलता है और ना ही महंगे पेट्रोल डीजल का खर्च उठाना पड़ता है। हाँ, थोड़ी रफ्तार जरूर कम हो जाती है, लेकिन उस रफ्तार में आप तांगे के बीट्स पर पुराने गानों को जरूर सुन सकते हैं। सिनेमाई पर्दे पर तांगा तेज दौड़ा, और तो इंसानी जिंदगियों में भी कई सदियों तक तांगे ने साथ दिया है। ऐसे में मोबाइल तांगा सुविधा लोगों को अचरज भरी लग रही है। इंदौर शहर की ये एक बड़ी खासियत है कि अगर तांगे के साथ यातायात कर दिया जाए तो ये खूबी अच्छा होगा। और मेरा ये अनुभव है कि तांगे के जरिए अगर हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं तो वही अच्छी बात है। और मेरा ये आग्रह रहेगा बार बार कि लोग तांगों से ही अपना प्रवास करें। बैठती है, फोन लगाती तो घर पे आ जाती है। अगर बाइक को ही फोन लगाने तो घर पे आता तो अच्छा सुविधा रहेगी लोगों के लिए। कितनी सुविधा हो जाएगी आपको, ये घर पर सेवा हो जाएगी, फोन की सुविधा अच्छी हो जाएगी। लोग तो इस सेवा को सुनकर ही रोमांचित हैं, और तांगे वाले भी पूरी उम्मीद के साथ तैयारी में जुटे हैं ताकि आप फोन करें और तांगे की ताप आपके दरवाजे पर सुनाई पड़े। बहुत अच्छी पब्लिक के लिए सौगात है, इंदौर शहर के लिए पब्लिक फिर से जो 100 साल पहले लुप्त लेती थी तांगे का, और हमें चाहते हैं कि फिर से वही लुप्त पब्लिक के बीच रहे, और ये 100 साल पुराना वाहन है, 100 साल और आगे चले। हालांकि ये सेवा भी शुरुआती दौर में है और तांगा यूनियन इसके प्रचार प्रसार में लगी है। अगर योजना कामयाब रही तो जल्द ही इंदौर के तांगे वाले भी सड़कों पर अलग अंदाज में नजर आएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि तांगे वाले अपनी धन्नों से कह सकते हैं कि चल धन्नों, कस्टमर का कॉल आया है। समय के लिए इंदौर से अभिषेक मिश्रा।